अंकल जी, गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया, आटे पे भी टैक्स लगा दिया गया, पैकिंग वाले पे, अस्पताल में बेड 5000 रुपए से वाले उस पे भी टैक्स लगा दिया। किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे मोदी जी? ये भैया बच्चे होने पे भी टैक्स लगाएगा। गाली मत दीजिए अंकल। बात मत करे, फिर दूसरी बात बात करने बात करने में कोई हर्ज नहीं है, इतना गुस्सा क्यों है? मतलब सरकार आदमी नहीं बेचे, कोई इंसान नहीं बेचे, कोई तो कह रहे देश हित में हो रहा है विकास, विकास हो रहा है देश में, विकास देख ले, विकास हो तो रहा है, ये देख ले कीचड़, ये हो तो रहा है विकास। मंथली भी चाहिए पर मार्केट फीस भी चाहिए, और देख ले कीचड़ है, ये क्या कोटू कह रहे देश के बॉर्डर मजबूत कर दिए मोदी जी ने, विकास हो रहा है जैसे हुआ नहीं कभी, सब मजबूत कर दिए। पहले बॉर्डर ने पहले खा गए, बॉर्डर ने पहले जो मोदी ने मजबूत कर दिए, देश खतरे में था पहले। हाँ देश खतरे में था, जई नहीं तो बचाया हो, जई नहीं तो सबरे परमात्मा है, ये परमात्मा ही कहाँ रह जात का, और कोई है ही ना पूरे देश में। कई लोग कह रहे हैं अभी नहीं हुई ज्यादा महंगाई। हाँ बिल्कुल, काई महंगाई हुई अभी, काई को महंगाई हुई जब सरयाम मारा काटी होगी ना, जब महंगाई होगी। हाँ वो ये सरयाम छीना छपती होगी ना, जब महंगाई दिखाई देगी। अभी तो नकाद हो रही है थोड़ी बहुत, बाकी ज्यादा होने लग जाएगी जब महंगाई दिखाई देगी। सरकार काम भी तो करवा रही है ना, इतना अगर पैसा ले रही है, टैक्स तो लगता ही है कह रहे हैं लोग। आज तक तो टैक्स ले, पहले ना सरकार चल रही, पहले ना पहले का टैक्स लग रहा हो, या अभी अभी सरकार चल रही है जो अभी टैक्स लगा दी हो, अभी सरकार भूखी मर रही है। कह रहे महंगाई के मुद्दे पे बेवजह बदनाम कर रहे हैं सरकार को, इतनी है नहीं महंगाई। क्यों ना है महंगाई, 25-30 रुपए किलो आटा आ रहा है, गरीब आदमी तो पूछ के देखो, जो सुबह से शाम तक एड़ी तक पसीना आ जाए जब खरीदे आटा, भाई का पता होगा तो पेरिस में तो कपड़ा धुल ले, बाकी नहीं पेरिस में धुलते जहाँ कहीं धुल होंगे मुझे क्या पता, मैं तो बता रहा हूँ, मैं 1-1 लाख रुपए तो कपड़ा धुल के आवे बाकी मोदी जी के, और क्या, जहाँ साबुन भी ना मिले, सरफ भी ना मिले। वो तो कह रहे फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, फकीर को बता के नहीं, कहीं बैठा जमके नहीं, फिर कहीं बैठा जमके बैठ जा, फिर कहीं जम के बैठा, फिर कहीं इलेक्शन में रैली निकालता डोले, देश की सेवा कर रहे ना। हाँ देश की सेवा बहुत करिए, देश की सेवा, देश ही तो बेचे खागो। सुंदर है सबरे तो गोल्ड बेचे खागो, सबरे सबरे बेचे खागो, रेलवे बेचे खागो, सब प्राइवेट कर दिए। वो तो कह रहे हैं कि देश हित में कर रहे हैं ना प्राइवेट, क्या जी देश हित में कर रहे हैं प्राइवेट, ये कह, हाँ देश हित में कर रहे हैं ना, सरमाएदार का पेट भर रहे हैं और खा लिए नकाद, और इतनी धोंद हो जाएगी। मोदी जी नहीं होते तो श्रीलंका जैसे हालात हो जाते, यहाँ तो मर जाते, यहाँ तो मोदी जी नहीं जिंदे करे, ये बात ना थे मोदी से पहले थे तो करी ना राज। आप क्या कह रहे थे भाई साहब? मैं कह रहा हूँ श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ दिन की बात है, ज्यादा दिन की बात, CNG कहाँ जा रही है, डीजल कहाँ जा रहा है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, जब क्या करा जाएगा बताओ। वो कह रहे देश हित में लगा रहे टैक्स वैक्स, देश हित में तो पहले भी राजा महाराजा है, उनने तो लगाया ना, सब्जी भी मंदी रह, तेल भी मंदो रह, सब चीज अनाज आटा का भाव 200 रुपया किलो तेल है सरसों का। भाई साहब आज से गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो गया, साथ ही पैकिंग वाला आटा, पनीर, छाछ वगैरह पे भी GST लगा दिया गया है, तो किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे मोदी जी का? सर धन्यवाद करेंगे, क्या हो गया महंगा हो गया तो? अगर GST गवर्नमेंट लेगी तो क्या वो कांग्रेस की तरह विदेशों में लेके जाएगी या यहीं पे लगाएगी? अच्छा कांग्रेस विदेशों में ले जाती थी। सर जो अब तक की रिपोर्ट है वो तो यही है, नहीं तो पैसा कहाँ गया सारा? अभी तो रिपोर्ट ये भी आई है कि पहले से ज़्यादा विदेशों में पैसा जमा हो रहा है, पहले से भी ज़्यादा। और पहले के मुताबिक देश में विकास कम हुआ या ज़्यादा? सर जो GST यूज़ हो रहा है वो देश के विकास में हो रहा है, वो अभी भी हो रहा है और वो आगे भी होगा। तो और भी सामान पे GST लगाना चाहिए, जो लोग कह रहे हैं कि जीवन के लिए अनिवार्य है आटा वगैरह, उसको तो छोड़ देते हैं। आप गेहूं लेके आटा क्यों नहीं पिसवाते हो चक्की से? अब तक तो नहीं लगता था। नहीं आप गेहूं लेके चक्की से क्यों नहीं पिसवाते हो? अब तक तो सर आज से 10 साल पहले तो कभी कोई खरीदता भी नहीं था, जब तो सब चक्की पे पिसता था। समय के हिसाब से परिवर्तन तो होगा ना हर चीज में। अब आप ऑनलाइन भी मंगवा रहे हो, पहले तो ऑनलाइन भी सब्जियां नहीं आती थी, अब आप कहोगे सब्जियां भी ऑनलाइन आ रही हैं, पहले तो नहीं आती थी। तो समय के हिसाब से सब कुछ चेंज हो रहा है, वो होगा सर। अच्छा मतलब और लगना चाहिए आपको लगता है भाई, और GST आएगा तो उस चीज़ पे जरूरत होगी, उस चीज़ पे लगेगा। अच्छा हाँ जी, जो मोदी जी करे सब सही है। सर मोदी जी करेगा क्या मतलब है, अकेला मोदी नहीं कर रहा सर, बजट वजट सब कुछ जो हम सब जिनको चुन के बनाते हैं वही करते हैं। अच्छा वो अकेले, उन्होंने ये नहीं कह दिया जी कल को ये हो जाए तो वो हो जाएगा। अच्छा
ऐसा नहीं है ना, ये तो आप भी जानते हो, पूरा पास होता है, सब जने बैठते हैं तब जाके ही होता है ना। तो लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे गैस की महंगाई की वजह से पब्लिक। तो सब कुछ कहते हैं, प्याज सब्जियां रेट बढ़ जाती है तब भी लोग कहते हैं, रेट कम हो जाते हैं तो कहते हैं किसान मर गया, रेट बढ़ जाता है तो कहते हैं आदमी मर गया। तो लोगों को कहां तक आप किस चीज़ पे सही करोगे आप? बस अब आज से गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो गया, पैकिंग वाले आटे पर भी टैक्स लगा दिया गया, बेड पर भी अस्पताल में टैक्स लगा दिया गया, तो मोदी जी को किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे? भाई साहब, महंगाई तो हर चीज़ की बढ़ती जा रही है, इसमें कमाने खाने वाले लोग भूखा मर रहे हैं, समझे। यहाँ तक ऐसे हो रहे हैं कि सुबह में काम करता हुआ शाम को रोटी तक नसीब नहीं हो रहा। ऐसा कोई उपाय किया जाए जिसमें जो है तो बिरयानी खा रहे हैं भाई साहब, बिरयानी भी उधार में खा रहे हैं। और बताओ, अच्छा बिकेगा जब पैसे दूंगा? अच्छा हाँ, तो लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है, राष्ट्रहित में हो रहा है ना, महंगाई क्या दिक्कत है भाई? महंगाई इतनी हो रही है, विकास तो हो रहे हैं, जिनके पास पूंजी है वो विकास कर रहे हैं, जो कमाने खाने वाले हैं वो विकास कहाँ से कर पाएंगे बताओ? अच्छा, उनको परेशानी है, उनको बहुत परेशानी होती है। सर, आज से गैस सिलेंडर 50 रुपये और महंगा हो गया है, साथ ही आटे पर भी GST लगा दिया गया। आटे पे? हाँ, आटे पे। तो किन शब्दों, हाँ पैक आपे आटे पे, पैक चार्ज दही पे भी लगा दिया गया, अस्पताल में बेड पे भी लगा दिया गया 5,000 रुपये से ऊपर वाले पे, 1,000 रुपये से कम वाले होटल पे भी GST जो है वो 12% कर दिया गया। तो किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे मोदी जी का? भाई मोदी जी ऐसा है कि जहाँ जरूरत होगी वहाँ तो वो करेंगे ही हैं, और उसमें पब्लिक को ये नहीं, महंगाई घटती बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं है कि एक सी रहती है, और ये तो विधि का विधान है कि घटते ही बढ़ती तो रहना। टैक्स लगाना चाहिए सरकार को क्या आटे पे भी? नहीं, सर्विस टैक्स उस पर, होटल और रेस्टोरेंट वगैरह पे नहीं, आटे पे पूछा मैंने आप। आटे पैक्ड पे है? हाँ, तो पैक पे पहले तो नहीं लगता था ना, पैक भी तो पब्लिक खाती है ना। पैक्ड हो गया तो उसका मतलब दूसरा हो गया, और लूज है। पब्लिक खाती नहीं है क्या पैक वाला आटा? बहुत बड़ी तादाद में खाते हैं। खाती है, पर वो ये है कि अब भाई ये गवर्नमेंट की सोच है। हाँ। आपको कैसी लगती है सोच, ये मतलब ठीक लगती है क्या सब चीज पे महंगाई बढ़ाना? नहीं, सब चीज पे नहीं, जो एसेंशियल है यहाँ के, आगे से प्रॉब्लम है, आगे से यदि शिक्षा स्वास्थ्य जैसी चीजों पे भी महंगाई बढ़ानी चाहिए क्या? मतलब क्योंकि बेड पे तो आदमी इमरजेंसी में भर्ती होता है ना, उसको भी क्राइटेरिया है, उसमें भी क्राइटेरिया ये है कि जो 5,000 से ऊपर का होगा उस पे टैक्स। वो भी तो पब्लिक इस्तेमाल करती है ना 5,000, तो वो वही लोग इस्तेमाल करती हैं जो कि उसके लायक हैं, और जो उससे नीचे नहीं, मजबूरी में भी तो करते हैं ना लोग, 5,000-10,000 का बेड मजबूरी में भी मिडिल क्लास को लेना पड़ता है कई बार, एक तो मजबूरी, ऊपर से आपने उस पे GST भी लगा दिया। मिडिल क्लास के आदमी मोस्टली जनरल वार्ड में, मोस्टली नहीं, इमरजेंसी में ही तो जाता है ना, इमरजेंसी में जाता है लोग अस्पताल में, कोई घूमने तो जाते नहीं ना, तो मिडिल क्लास भी कई बार 5,000 से ऊपर का बेड लेना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा शौक से लेता, लेना पड़ता है ना कई बार, कभी कभी मजबूरी हो जाती है लेना पड़ता। तो सही है, मतलब मजबूरी का फायदा उठाना, उससे भी पैसा कमाना सरकार को? नहीं है। ये तो लगाया है ना सरकार ने टैक्स, इसमें नहीं कह सकते, ये मैंने अभी देखा नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो गया आज से, साथ ही आटे पे भी टैक्स लगा दिया गया, तो किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे मोदी जी का? धन्यवाद मोदी जी का क्या करें इसमें, तो मोदी ने तो गरीब आदमी की जान ले रखी है सर। बात यह है, जब 400 कुछ रुपए का सिलेंडर था, जो हमारे शिक्षा मंत्री है शायद स्मृति ईरानी, शिक्षा मंत्री तो नहीं है फिलहाल, महिला विकास मंत्री है, जो वो सिर पर सिलेंडर लिए खड़ी थी, वो इतना विरोध प्रदर्शन करता था, अब कोई बोलने वाला ही नहीं है सरकार के अंदर। कह रहे विकास कर रहे हैं, महंगा तो होता रहता है, महंगाई तो विकास तो खैर बहुत हो रहा है, सड़कें कितनी बिछा दी शहरों में आपने कभी, और सरकार थी कभी सड़कें देखी? अरे सड़कें देखी, अरे सर यहाँ 5 साल से हमसे देख रहे हैं, 5 साल से सड़क नहीं तैयार हुई। अरे भाई ये बताइए, 5 साल में एक सड़क इसमें यहाँ के चीफ मिनिस्टर का वो है, यहाँ के मिनिस्टर यहाँ के जो मंत्रीगण है यहाँ रहते हुए हैं वो लोग विजिट नहीं करते हैं, नहीं तो स्मार्ट सिटी ये कब का बन जाता है। तो जन की बात में आपने पब्लिक की राय सुनी महंगाई पर, कई लोगों का कहना है कि अभी महंगाई कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन कई लोगों के ये भी तर्क हैं कि जो मोदी जी के कट्टर समर्थक है सिर्फ उनको महंगाई नहीं लगती, वरना महंगाई ने आम पब्लिक का नींबू निचोड़ दिया है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में भी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर, नमस्कार।